सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ, और आज इंतजार की घड़ियां हो जाएंगी खत्म। आज तकरीबन 18 लाख छात्रों ने क्या कुछ जो मेहनत की है उसका नतीजा आ जाएगा। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ जाना है, दोपहर 12:30 बजे ये जारी किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के मुख्यालय से रिजल्ट जारी होगा, स्कूल शिक्षा मंत्री रिजल्ट जारी करेंगे। एमपी बोर्ड के नतीजे news18mp.com पर भी आप देख सकते हैं। 10वीं और 12वीं के नतीजे आ जाने हैं, तकरीबन 9,66,000 छात्र और 8 लाख से ज्यादा छात्र 10वीं और 12वीं के छात्र हैं, इन्होंने एग्जाम दिए थे, तकरीबन 18 लाख छात्र, और आज इसके नतीजे आ जाएंगे। दसवीं और बारहवीं के नतीजे आप news18mp.com पर भी देख सकते हैं। आज दोपहर 12:30 बजे ये रिजल्ट जारी किया जाएगा माध्यमिक शिक्षा मंडल के दफ्तर में। माध्यमिक शिक्षा मंडल मुख्यालय से रिजल्ट जारी होगा, स्कूल शिक्षा मंत्री परमार रिजल्ट जारी करेंगे। जो छात्र कामयाब नहीं हो पाएंगे या कामयाबी में कुछ कमी रह जाएगी उनके लिए भी रुक जाना नहीं, ये योजना है। पहले से ही मध्य प्रदेश में चल रही है, लेकिन आज कामयाबी की बात। माध्यमिक शिक्षा मंडल मुख्यालय से नतीजे जारी किए जाने, स्कूल शिक्षा मंत्री 12:30 बजे नतीजे घोषित करेंगे। इस बार नतीजों में वेटेज अंक ये भी जोड़े जाने हैं, तिमाही जिसे त्रैमासिक कहा जाता है, छमाही यानी अर्धवार्षिक, और वार्षिक यानी फाइनल एग्जाम्स। तो तिमाही छमाही के नतीजे भी, उनके अंक भी वेटेज अंक के तौर पर जोड़े जाएंगे। पोर्टल में फीड करने के निर्देश बहुत पहले ही दे दिए गए थे, तो आज ये नतीजे जारी हो जाएंगे। मार्कशीट पहुंचने में हालांकि वक्त लगेगा, तमाम स्कूलों तक मार्कशीट जून तक पहुंच जाएगी। दोपहर 12:30 बजे का इंतजार है तकरीबन 18 लाख बच्चों को, और सिर्फ 18 लाख बच्चों को क्यों, उनके जो अभिभावक हैं वो भी 10वीं और 12वीं के नतीजों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। भोपाल आपको लिए चलेंगे, सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, तकरीबन 18 लाख छात्र, आज इम्तिहान के नतीजे आ जाएंगे और बहुत सारी तब्दीलियां भी चूंकि शिक्षा नीति के तहत हुई हैं, क्या कुछ तैयारियां वासु? आप बिल्कुल ललित जी, देखिए अगर स्कूली शिक्षा के लिहाज से देखा जाए तो 10वीं और 12वीं जो क्लासेस होती हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। 10वीं के बाद जो विद्यार्थी होता है वो अपनी एक स्ट्रीम को सिलेक्ट करता है कि किस दिशा में उसे आगे बढ़ना है, 12वीं के बाद प्रोफेशनल कैरियर की दिशा में वो अपना कदम बढ़ाता है, और 10वीं और 12वीं जो बोर्ड्स की परीक्षाएं होती हैं उसके लिए खास तैयारियां विद्यार्थी भी करता है, घर वाले भी, उसके अभिभावक भी करते हैं, और टीचर्स का भी जो खास ध्यान है वो बच्चों पर होता है। तो एक लंबी तैयारी करने के बाद परीक्षा में पियर होना और फिर बेसब्री के साथ रिजल्ट का इंतजार करना, ये अनुभव जो होते हैं वो हम सबके जीवन में काफी खास होते हैं, और जो निश्चित तौर पर जो 10वीं और 12वीं के बच्चे आज रिजल्ट के लिए वेट कर रहे होंगे उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। देखने वाली बात ये जरूर होगी ललित कि बीते सालों में जो नतीजे आए हैं, जो रिजल्ट आए उनसे कितना बेहतर इस साल का मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड का जो रिजल्ट है वो होता है, और कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो क्या एक बार फिर से बेटियां बाजी मारती हुई नजर आएंगी, जिस तरीके से यूपीएससी की परीक्षाओं में हमने सूरत हाल देखा है। बहरहाल शिक्षा मंडल की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, 12:30 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो भोपाल स्थित मुख्यालय है वहां से रिजल्ट जारी किया जाएगा। खुद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इस दौरान मौजूद रहेंगे, और जो एमपी बोर्ड की तमाम वेबसाइट्स हैं, चाहे mpbec.nic.in हो, एमपी बोर्ड की वेबसाइट हो, या एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी इन नतीजों को देखा जा सकेगा। कुछ अन्य प्राइवेट साइट्स भी संभवतः रिजल्ट देखने के जो
सेवाएं हैं वो प्रदान करने का काम कर रही है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना रोल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ पोर्टल पे दर्ज करके अपना रिजल्ट देख सकेंगे और ऑनलाइन रिजल्ट आज अपियर हो जाएगा। कुछ समय बाद स्कूल से बच्चे अपनी जो मार्कशीट्स है वो भी कलेक्ट कर सकेंगे। 18 लाख से अधिक बच्चों ने 10वीं और 12वीं के ये परीक्षाएं जो है वो दी है और निश्चित तौर पर आज उन सबके लिए एक बड़ा दिन। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज बड़ा दिन न सिर्फ बच्चों के लिहाज से बल्कि अभिभावकों के लिहाज से भी, कई बार तो रिश्तेदारों के लिहाज से भी। सतना की बात करेंगे, सतना में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। चित्रकूट में होटल में पुलिस ने दबिश दी, यहां से 2 युवतियां और होटल मैनेजर गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों युवतियां दूसरे राज्यों की हैं। सेक्स से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की गई है। लंबे अरसे से इस बात की शिकायत मिल रही थी कि यहां पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इस शिकायत पर कार्रवाई की गई, 2 युवतियां और होटल मैनेजर गिरफ्तार किया गया। खबर बड़वानी से, यहां के अंजड़ नगर परिषद के पूर्व पार्षद की पिटाई का एक वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि दो महिलाएं एक युवक को चप्पल, पाइप और थप्पड़ से कूट रही हैं, धुन रही हैं। बताया जा रहा है कि मामूली ये विवाद था जो बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। दोनों पक्षों की तरफ से थाने में कोई शिकायत नहीं की गई है, लेकिन मारपीट का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इंदौर के रावजी बाजार थाना इलाके में मस्जिद के पास विवादित पर्चे बांटे गए, इससे बवाल मच गया। इन पर्चों में आरएसएस और बजरंग दल से जुड़े हुए लोगों को काफिर बताया गया है। साथ ही पर्चे में कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। पर्चे में मुस्लिम लड़कियों को आगाह किया गया है कि वो हिंदू लड़कों से सावधान रहे। पर्चे में इस बात का जिक्र है कि हर साल 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को काफिर बरगलाकर उनकी इज्जत तार तार करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में 800 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो चुका है। थाना क्षेत्र के करालपुरी क्षेत्र में जो है कुछ लोग जो है वो कुछ आपत्तिजनक पर्चे वितरित कर रहे थे, जिसमें कुछ संगठनों के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर से जो है वो थाना रावजी बाजार पर 153 का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया। खबर भिंड से, जहां कुछ लोगों ने ढाबा संचालक को गोली मार दी। गोली लगने से ढाबा संचालक घायल हो गया, इलाज के लिए इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला देहात थाना इलाके के इटावा रोड पर स्थित सूर्या ढाबा का है। 5 लोगों ने खाना खाया, जब संचालक ने रुपए मांगे तो पहले मारपीट शुरू कर दी गई और फिर गोली चला दी गई। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। तो गाली गोली करने लगे मामले की, गाली गोली करने लगे, झगड़ा होने लगा, झगड़ा होने लगे, उन्होंने गोली दी सामने, चेहरा तो गया, गोली बंद निकल गई। काय की गोली? मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों एक आदेश निकाला था कि अहाते, ढाबे और शराब की दुकानों के बाहर शराब नहीं परोसी जाएगी। मुख्यमंत्री के इस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए वीडियो सामने आया है। ढाबों के अंदर और शराब की दुकानों के बाहर शराब परोसी जा रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो राजीव गांधी चौराहे के वीआईपी ढाबे का बताया जा रहा है। मामले में जब एडिशनल पुलिस कमिश्नर मनीष कपूरिया से बात की गई तो उनका कहना है कि जो वैधानिक प्रावधान है, यदि उनका उल्लंघन किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो किराए पर गाड़ी लेकर फरार हो जाता था। अब जब फरियादी को इसकी भनक लगती तब तक आरोपी उस गाड़ी को बेच भी दिया करता था। लंबे अरसे से शिकायत मिल रही थी कि इस तरह का गिरोह काम कर रहा है। सेल्फ ड्राइव के लिए ये गाड़ियां किराए पर लेते और तुरंत उसे शहर के बाहर लेकर फरार हो जाते। पुलिस ने खोजबीन की तो इंदौर की 7 गाड़ियां भोपाल में मिली। 5 आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। जबलपुर का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार अतिथि विद्वान और छात्र के बीच हुए विवाद को लेकर यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है।
मामला परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों के प्रदर्शन का है। आधा सैकड़ा छात्र यूनिवर्सिटी पहुंचे। इस दौरान अतिथि विद्वान दीपेश मिश्रा छात्रों को समझाने के लिए पहुंचे। बातचीत के दौरान छात्र संगठन के कार्यकर्ता ने दीपेश मिश्रा से बदसलूकी कर दी। इसके जवाब में दीपेश मिश्रा ने छात्र को थप्पड़ जड़ दिया। गुस्साए छात्र ने टीचर की कॉलर पकड़ ली। इसके बाद शिक्षकों और छात्रों ने बीच बचाव किया और दोनों को अलग किया। सर से बात करने आए तब जो हमारे छात्रावास में एक अतिथि विद्वान रहते हैं अवैध तरीके से, दीपेश मिश्रा नाम है उनका, वो अवैध तरीके से रहते हैं छात्रावास में। वो वहाँ पे वार्डन सहायक भी हैं सर। छात्रावास के बाहर सर आज जब हमारे यहाँ ज्ञापन देने तो थोड़ी देर ज्ञापन चला, रजिस्ट्रार सर ने बोला कि तुम 4 बजे तक यहाँ बैठे रहो, मैं यहाँ रिपोर्ट पहुँचवाऊँगा। हम लोग 4 बजे तक सर यहाँ बैठ गए, क्योंकि हम पिछले बहुत सारे महीनों से हम सुनते आ रहे हैं कि मीठी बोली। आज हमने बोला सर हम निर्णय सुनने आए हैं, आप सुना दीजिए, क्योंकि 75% छात्र सर बहुत बड़ी संख्या होती है। उसी बीच सर हमारे वार्डन साहब आए या अतिथि विद्वान साहब आए दीपेश मिश्रा, इन्होंने बातों मुझे रैपट मारा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर सोमनाथ उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान महाकालेश्वर की पूजा अर्चना की। 29 मई को होने वाले नेविगेशन सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग के लिए महाकाल से प्रार्थना की। उनके साथ महर्षि पाणिनी संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार भी रहे। इस मौके पर डॉक्टर सोमनाथ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल भी हुए। संस्कृत से हमको टेक्नोलॉजी के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए हमको ये प्रचारण करना है ऐसे कि हम साइंस इंजीनियरिंग ये सब शिक्षण के लिए संस्कृत का योगदान बहुत है, उसका प्रचारण के लिए हम कठिन काम करना ही चाहिए, तो छात्राओं से इसी निर्देश दिया है ना मैंने। तपती चुपती गर्मी अगर आपको बहुत परेशान करती है, आप लगातार एसी का इस्तेमाल करते हैं, तो इस खबर को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। देश और प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 को पार कर गया है, कई जगहों पर अर्धशतक की तैयारी कर रहा है। इन सब के बीच गर्मी से राहत पाने का नाम है एयर कंडीशन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एसी का सहारा आपको धीरे धीरे बहुत बीमार कर सकता है? ज़्यादा टाइम हम जब एसी में रहते हैं तो ड्राइनेस की सबसे बड़ी एक शिकायत होती है। आँखों में ड्राइनेस हो सकती है जिससे आँखों में इरिटेशन, सर में दर्द हो सकता है। नाक में ड्राइनेस होने से जिन लोगों की नाक की प्रॉब्लम रहती है, स्टफिनेस, ब्लॉक, ये सब बढ़ सकता है, और थ्रोट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो एसी की एयर होती है वो मतलब डिहाइड्रेशन भी करती है, क्योंकि वो ड्राई एयर होती है, तो हमें डिहाइड्रेशन के बाकी सिम्टम्स जैसे चक्कर आना, थकान लगना, पेट में दर्द होना, ये सब भी हो सकता है। तेजी से बदलते मौसम ने इंसानी शरीर की चुनौतियों को बढ़ा दिया है, साथ ही सिक बिल्डिंग सिंड्रोम का भी खतरा बढ़ रहा है, इसे भी समझ लीजिए। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो टेम्परेचर चेंज जो होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम एसी में रहते हैं और सडनली बाहर जाते हैं जब जहाँ बहुत गर्मी है या बारिश हो रही है, तो बॉडी में एक शॉक लगता है, स्ट्रेस में आ जाती है बॉडी, और वो जो है शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो उसमें आपको नाक बह सकती है, इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। जिन लोगों को बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम्स है उनको भी ये सडन टेम्परेचर चेंज में की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और जो दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा सिक बिल्डिंग, वो यही है कि जब हम हमारे ज़्यादातर ऑफिस एसी होते हैं और लोग बहुत ज़्यादा टाइम एसी के अंदर ही बिताते हैं, तो उसकी वजह से शरीर पर जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं जैसे डिहाइड्रेशन, आँखों में ड्राइनेस, कुछ लोगों को एलर्जीज होती हैं, वो भी एसी में रहने से बढ़ सकती हैं। इसी प्रॉब्लम्स का कलेक्टिव नेम सिक बिल्डिंग से। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि राहत देने वाला एसी कब आफत बन जाए।
और आपको कैसे समझ आएगा कि आप इसके शिकार हो रहे हैं? वो हमारे आसपास के एयर से मॉइस्चर को निकाल देता है, तो मॉइस्चर निकालने की वजह से जो एयर जिसमें हम बैठे हुए हैं वो बहुत ड्राई होती है। हमारी जो त्वचा है उसमें मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी होता है। आँखों के ऊपर जो एक फिल्म होती है, प्रोटेक्टिव फिल्म, उसमें भी ड्राइनेस का बुरा असर होता है। स्किन में ड्राइनेस होने से एलर्जिक इश्यूज, स्किन में इन्फेक्शन होना, ये सब हो सकता है। नाक में ड्राइनेस मैंने अभी बताया, इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है एक्सेसिव। थ्रोट में भी अगर प्रोटेक्टिव लेयर ड्राई रहेगी तो थ्रोट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा ड्राई एयर, जब हम एसी में बैठे रहते हैं तो हमें प्यास ज़्यादा नहीं लगती है, तो अगर हम पानी कम पिएंगे तो अगर बाहर जाएंगे और गर्मी है तो हीट एग्जॉशन या लू लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो गर्मी से बचने के लिए भले ही एसी का सहारा लेना पड़े, लेकिन अगर सावधानी से इसका इस्तेमाल किया जाए तो राहत भी मिलेगी और आफत भी नहीं आएगी। फरहा खान, न्यूज़ 18, दिल्ली। और अब 25 सेकंड में खबर। जून में कोलगढ़ी